पिछले एक हफ्ते से बिहार के युवा एक खास यूट्यूबर को लेकर हंगामा मचाए हुए हैं। मैं सारे युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस खास सेक्शन में इस बात को लेकर उबाल है कि आखिर मनीष कश्यप के साथ सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मनीष कश्यप ने गलत किया या वो खुद मान रहा है, क्योंकि यदि पुलिस सूत्रों के हवाले से आप बातों को समझें तो पुलिस खुद कह रही है कि मनीष कश्यप ने अपना अपराध स्वीकार किया है कि तमिलनाडु जुड़े मामले को लेकर उसने फेक वीडियो बनाया। बात जाहिर है कि इसका असर दो प्रदेशों के रिश्तों पर ही नहीं, देश के सांगठनिक संघात्मक जो व्यवस्था है उस पर एक बड़ी चोट करने की कोशिश की गई है। मैं मानता हूं कि मनीष कश्यप यह करते हुए उसके दिमाग में यह बात नहीं होगी कि बवाल यहां तक चला जाए, कारण कि ऐसे ही यूट्यूबरों की एक बहार है पूरे देश में। हिंदी पट्टी इलाके में तो कैसे कई ऐसे युवा हैं जो यूट्यूबर के नाते हंगामा मचाए हुए हैं। बात एग्रेशन की हो, मांग की हो, अगेंस्ट जाने की हो, हर जगह आपको ऐसे कुछ चेहरे दिख जाएंगे। मनीष कश्यप उनमें सबसे अग्रणीय थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि न्यायालय में जब यह मामला है तो आप बंद क्यों कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ व्यवस्था सरकारी स्तर पर, पुलिस स्तर पर कुछ दोष हुए होंगे जिसके कारण लोग नाराज हैं, लेकिन अब जब मामला कोर्ट में है तो उनको सब्र रखनी चाहिए कि आखिर ये जुडिशियरी क्या निर्णय देती है मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप पर 8 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और बाद में चलकर जब यह घटना सामने आई तो कई बातें खुलकर सामने आई कि मनीष कश्यप कौन है। मनीष कश्यप का मूल नाम मनीष कश्यप नहीं है, बल्कि मनीष कश्यप के नाम से वो यूट्यूब चलाता है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या वो पत्रकार है। तो मेरा साफ मानना है कि आपके किसी भी खबर का यदि रचनात्मक असर समाज में नहीं पड़ता है तो वो बेकार है, वो समाचार नहीं माना जा सकता है। हम सत्य कहें, बुरा हो तो आप नहीं बोले, ये हमारा वेद भी कहता है। इस बातों को, इस कसौटी पर बेशक मनीष कश्यप गलत थे, लेकिन मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर आखिर क्यों उभर रहे हैं यह भी बड़ा सवाल है। इस पर भी व्यवस्था को सोचने की जरूरत है। हम नाराज होते हैं अपनी व्यवस्था के खिलाफ यदि हमें न्याय नहीं मिलता है, यदि शैक्षणिक सत्र दो दो साल तीन तीन साल विलंब से चलता है तो इसका कहीं ना कहीं तो गुस्सा फूटना जायज है। और मनीष कश्यप इन मुद्दों को लेकर बड़ा जुझारूपन दिखाता रहा है। युवा है, जोश है, तो जाहिर है कि गलतियां होगी और इन्हीं गलतियों का सजा के रूप में आज वो बिहार पुलिस के गिरफ्त में है। अब यह मामला जुडिशियरी के नाते इसे छोड़ देना चाहिए और किसी भी ऐसे हिंसक प्रदर्शन से परहेज करना चाहिए। धन्यवाद।